नमस्कार दोस्तों, यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपने पत्तियां बदलते हैं लेकिन जड़ें नहीं। नमस्कार दोस्तों, ओम गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में। बात कर लेते हैं दोस्तों आज के पंचांग के बारे में। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 5:59 पर और सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:44 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई भी शुभ काम करना हो इसी समय करें, ये आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। इसके साथ ही साथ आज का अशुभ समय है शाम 5:02 से शाम 5:53 पर। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 6 और लकी कलर है सिल्वर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक खास ज्ञान के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, गुरुजी कहते हैं कि अच्छे जीवन साथी में होने चाहिए ये 3 गुण। जी हाँ दोस्तों, जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसके मन में ये डर होता है कि उसकी पत्नी उसके प्रियजनों के साथ कैसे एडजस्ट करेगी। महिला को लड़के के परिवार में प्यार से एक साथ रखना चाहिए। दोस्तों शादी के बाद लड़की को केवल अपने बारे में ना सोचकर सभी के बारे में सोचना चाहिए। ना की भावना को और मैं की भावना को अपने अंदर कोई भी जगह नहीं देनी चाहिए। एक अच्छी महिला की ये बड़ी पहचान होती है कि वह समय और स्थिति के अनुसार सभी से घुल जाती है। हर लड़का यही सोचता है कि उसकी पार्टनर उसे टाइम दे और उसका ख्याल रखे, अपेतु ऐसा महिलाओं को करना चाहिए। तो दोस्तों यदि ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो और आप अगर कुछ सीखना चाहते हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों इन दिनों में आप लोगों ने जिन चीज़ों का प्रयास किया है वह चीज़ अब आपको मिलने वाली है। और दोस्तों ईश्वर आपकी ज़िंदगी में नए बड़े बदलाव कर रहे हैं, नई तरक्की हासिल होगी। व्यवसाय कर रहे जातकों के लिए दिन काफ़ी अच्छा है। व्यवसाय में कुछ नीतियाँ लागू करेंगे व धन भी खर्च कर सकते हैं जिसमें व्यापार को आगे बढ़ा सकें। व्यापार में हो रही समस्याओं के लिए अपने भाई बंधुओं से बातचीत कर सकते हैं। संतान को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए आज आप थोड़ा सा परेशान दिख सकते हैं, जिसके लिए आप धन निवेश करने का निश्चय करेंगे। विद्यार्थी कुछ विषय में समस्या को लेकर गुरुजनों से बात कर सकते हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए दिन काफी अच्छा है। आप अपने लिए भी समय निकालें, इसमें कामयाब रहेंगे। घर के कार्य में भी व्यस्ततम नजर आएंगे। इस राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य गुजरने वाला है। और दोस्तों काम धंधे की नौकरी से भी आप लोग के रूटीन के काम होते रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारी आपकी बातों से प्रसन्न होंगे व आपको कोई बड़ा पद भी सौंप सकते हैं, जिसके बाद आपको समस्या हो सकती है। ऐसे में आपको धैर्य के साथ पहले से ही सभी चीज़ों को समझना चाहिए और दोस्तों उसके बाद आगे बढ़ें। दोस्तों कोई मित्र आपसे धन उधार मांगे तो आपको उसे कोई सोच समझ करके देना चाहिए। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों लोन लेने के बारे में सोच सकते हैं। किसी संस्थान से इस बारे में चर्चा हो सकती है। अपने परिवार में किसी सदस्य से यदि कोई वादा किया है तो उसे पूरा करना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं। आपस में किसी बात पर विवाद हो सकता है, अपने क्रोध पर अंकुश लगाने का प्रयास करें। दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण काम संबंधी योजना बना लें, क्योंकि दोपहर बाद में परिस्थितियां आपके पक्ष में बहुत ही अनुकूल हैं। आपके काम स्वतः बनना शुरू हो जाएंगे। परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धियां को लेकर घर में खुशी भरा माहौल रहेगा। मित्र अथवा संबंधियों के साथ में किसी गलती की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं, इसीलिए सावधान रहें। परिवार तथा घर के बुजुर्गों को भी आपके देखभाल की जरूरत है, इसलिए उनका खास ध्यान रखें। अच्छी व्यवस्था बनाकर रखने की आवश्यकता है। स्टॉक पर कंट्रोल रखें। प्रॉपर्टी संबंधी बिजनेस में अच्छे संबंध मिलेंगे। नौकरी पेशा लोग ध्यान रखें कि कोई काम गलत होने से अधिकारी नाराज हो सकते हैं। घर तथा पारिवारिक लोगों के साथ में समय व्यतीत करने से वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। व्यर्थ के प्रेम प्रसंगों में अपना समय नष्ट ना करें। समय बहुत ही अनुकूल है।
आज कुछ सकारात्मक स्थितियां बनेंगी, अपने अंदर छुपी प्रतिभा को पहचाने व उसका उपयोग करें। साथ ही बनाई गई योजना में निकट समय 100% समय प्रदान करने वाला है। ध्यान रखें कि निर्णय लेने से समय लगाने से चीजें आपके दिमाग से निकल सकती हैं। योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करें। साथ ही बाहरी व्यक्तियों को हस्तक्षेप भी आपके लिए परेशानी का केंद्र बन सकता है। अपने व्यक्तिगत कार्य स्वयं करें। व्यवसाय स्थल पर कार्य प्रणाली कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। रुका हुआ पैसा आने से आर्थिक परेशानियां खत्म होगी। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के रूप हैं। अधिकारियों से संबंध अच्छे रखें। काम की अधिकता के कारण आप अपने दाम्पत्य संबंध को उचित समय नहीं दे पाएंगे, परंतु स्थिति में आप लोगों को कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। इस बात का ध्यान रखें कि काम के बीच में उचित आराम लेना बेहद ही जरूरी है, वरना दोस्तों आप लोगों को दर्द महसूस हो सकता है। मानसिक शांति आप लोगों के काम में बहुत जरूरी है। आर्थिक रूप से आपका समय मजबूत है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से आज आपके लिए धन कमाने के कई मौके मिलेंगे। साझेदारी और व्यापार में हिस्सेदारी से दूर रहें। खाली वक्त का सही इस्तेमाल करना आपको सीखना ही होगा, नहीं तो जीवन में आप कई लोगों से पीछे रह जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, आपके जीवन साथी के साथ में आप लोग का रिश्ता काफी अच्छा रहेगा। परिवार को ज्यादातर आप लोगों को बिजी नजर आ सकते हैं। आज का दिन मिला जुला रहेगा। आपको व्यापार में अचानक से धन मिलने से आपको प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा व अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। लेकिन आपको आज कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो मजबूरी में न चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। अपने रिश्ते को वक्त रहते संभाल लीजिए, नहीं तो दूरी इतनी बढ़ सकती है कि आप एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद ना करें। दोस्तों आप अपने किसी मित्र से यदि कोई पैसे का लेन देन करें तो बहुत ही सावधानी से करें। प्यार और परिवार की बात की जाए तो आज आप उदास महसूस कर रहे हैं और कुछ समय सार्वजनिक कार्यों से कटाव करके अकेले में बिताना चाहते हैं। यदि किसी के लिए पागल हैं तो अभी पूरी तरह साहस बटोर कर अपनी चाहत का इजहार करें। याद रखें, सच्चा प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता। दोस्तों का साथ आपका खजाना है। आप दोस्तों काफी अच्छा व्यवहार है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए रखिए। सभी की आंखें आज आप पर एक जगह टिकी रहेंगी। दोस्तों अपनी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ ना करें, इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अच्छे विचारों के साथ साथ आपका व्यक्तित्व काफी आकर्षण होने वाला है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।